और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बहुत जल्दी मचाते हैं। वो कहते हैं हम हुजूर का दीदार करना चाहते हैं, हुजूर को देखना चाहते हैं, हुजूर के अलावा कोई और चेहरा हमारी निगाहों के सामने आता ही नहीं, हमें हुजूर से इतना प्यार है, रुखे मुस्तफ़ा से इतना प्यार है कि कोई और दूसरा चेहरा हमें नज़र ही नहीं आता। हमारे मुल्क शाम के एक अजीम शेख एक वली कामिल की बारगाह में उनके मुरीद हाजिर होते हैं और वो अर्ज़ करते हैं, है शेख मेरे दिल में ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि मुझे हुजूर का दीदार हो जाए। शेख मैंने बड़े वज़ाइफ़ पढ़े, बड़े औराद पढ़े, बहुत जिद्दोजहद की, बहुत मेहनत की, बड़े मुजाहदों और रियाजतों से गुजरा हूँ, कभी कभी दीदार तो हो जाता है लेकिन मुस्तकिल हुजूरी नहीं मिलती, मैं चाहता हूँ मुस्तकिल हुजूरी मिल जाए, हर वक्त रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाहों के सामने हो। शेख ने फरमाया क्या वाकई तेरे दिल में तमन्ना है, क्या वाकई तेरे दिल में आरजू है, क्या वाकई तेरे दिल में ये तमन्नाएं मचल रही हैं, क्या वाकई तूने खाना दिल को गैर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली कर दिया है, क्या हकीकतन अब तेरे दिल में कोई चेहरा तुझे अच्छा नहीं लगता, फकत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को देखना चाहता है। उसने कहा हकीकत है मेरे दिल में फकत दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आरजू है। शेख ने कहा अगर ये बात है तो आज शाम का खाना तू मेरे घर में खाना। शेख ने दावत का एहतमाम किया, वो शख्स अपने शेख की बारगाह में हाजिर होता है शाम के वक्त, शेख ने दस्तरखान बिछाया, खाने का एहतमाम किया, उसे खाना खिलाया, लेकिन खाने में पानी नहीं रखा और इसके अलावा खाने में खाना कम था नमक ज़्यादा था, इतना ज़्यादा नमक डाल दिया और फिर उस पर पानी भी नहीं रखा। अब वो अदब शेख में मुरुवत में उसने सवाल तो नहीं किया कि शेख आपने इतना नमक डाल दिया और फिर पानी भी नहीं पिलाया। जब वो खाना खा चुके तो वो शेख से अर्ज़ करता है शेख आपने फरमाया था कि मुझे एक विर्द देंगे, वजीफ़ा देंगे जिससे मुझे आका का दीदार हो जाएगा और मुस्तकिल हुजूरी मिल जाएगी। शेख ने फरमाया वजीफ़ा तो कल मिलेगा, एक बात तुझे बताता हूँ तो इस पर अमल कर ले। उसने कहा आप हुक्म फरमाएं। फरमाया तू आज घर जा, घर जाकर तूने पानी नहीं पीना, बगैर पानी पिए तू सो जा। उसने कहा मैं अमल करूंगा। वो घर जाता है बगैर पानी पिए सो जाता है। सुबह शेख की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है शेख आपने फरमाया था आका का दीदार होगा, मुस्तकिल हुजूरी मिलेगी, हुजूर आप फरमाएं वजीफा क्या है। शेख ने फरमाया तूने रात पानी पिया था। उसने कहा पानी नहीं पिया था। शेख ने फरमाया बगैर पानी पी के सो गया था। कहा हाँ बिल्कुल बगैर पानी पी के सो गया था। शेख ने फरमाया रात को कुछ ख्वाब में कुछ नजर आया, क्या नजर आया। उसने कहा शेख मुझे कुएं नजर आए, दरिया नजर आए, समंदर नजर आए, जिस तरफ देखता पानी ही पानी नजर आता रहा। शेख ने फरमाया अरे नादान अब भी नहीं समझता, अगर पानी की हकीकी प्यास तेरे दिल में मौजूद थी, पानी की हकीकी तड़प तेरे दिल में मौजूद थी और अगर पानी तेरे दिल की प्यास बुझाने के लिए तेरी ख्वाब में आ सकता है तो आमना का लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे इश्क की प्यास बुझाने के लिए तुझे ख्वाब में दीदार क्यों नहीं करा सकता। तू हकीकी तड़प तो पैदा कर, तू हकीकी तमन्ना तो पैदा कर, तेरे दिल में हकीकी तमन्ना मौजूद ही नहीं है, हकीकी आरजू मौजूद ही नहीं है। तू दावे तो करता है कि मैं दीदार मुस्तफ़ा करूं, तू दावे तो करता है कि मेरे दिल में किसी और की मोहब्बत नहीं, लेकिन तेरी निगाहें फिर भी हसीन चेहरों को देख रही हैं, तेरी जुबान से फिर भी गुनाहों का इर्तकाब हो रहा है, तेरी आंखें फिर भी हराम की तरफ बार बार उठती हैं, तेरे कान फिर भी हराम सुन रहे हैं, तेरे पाँव तुझे हराम के मकाम पर ले जाते हैं, तेरे हाथों से हराम का इर्तकाब होता है, तेरे पेट से हराम का इर्तकाब होता है, फिर भी कहता है कि फकत तमन्ना दीदारे मुस्तफा की है, मांगता है वजीफे, मांगता है औरादो वजायफ। फरमाया सबसे पहले खानाए दिल को गैरे मुस्तफा से खाली कर दे, जब दिल की दुनिया आबाद हो जाएगी। और वहीं वो सबक है नाज़रीन किराम जो आज हम पढ़ना चाहते हैं, दिल के इन सात दरवाजों को, दिल के इन सात गुनाहों के दरवाजों को बंद करके हम अपने दिल की दुनिया आबाद करना चाहते हैं ताकि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत मिल जाए। और जिसे कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत मिल जाती है नाज़रीन किराम, फिर उसे और कुछ नज़र नहीं आता।